हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर एस अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10 ई, क्वेश्चन नंबर 46। अ ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 64 किलोमीटर्स एंड देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स एंड एवरेज स्पीड्स ऑफ 6 किलोमीटर्स मोर देन द फर्स्ट स्पीड। इफ इट टेक 3 आवर्स टू कम्प्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज इट्स फर्स्ट स्पीड। देखिए, एक ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन ट्रेन एक ट्रेन है जो ए से बी डिस्टेंस है 54 किलोमीटर्स, ठीक है। जब वो अपना यूजुअल स्पीड से चलता है तो वो कुछ अपना टाइम्स कवर कर रहा है। फिर बी से सी एक स्टेशन से, समझ लीजिए ए बी सी और स्टेशन से बी, जो ए और बी का जो स्टेशन का दूरी कितना है 54, और बी से सी का जो स्टेशन का दूरी है कितना, वो 63 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ए से बी के स्पीड पे जब चलता है, जब इसका स्पीड रहता है विजुअल स्पीड, और बी से सी तक जब वो अपना चलता है ट्रेन, तो क्या कर बी से सी तक जब निकलता है तो वो क्या करता है, विजुअल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर अपना स्पीड्स बढ़ा देता है। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ए से सी तक जाने के लिए, मतलब ए टू सी तक जाने के लिए जो टोटल टाइम्स लगता है कितना है, वो 3 आवर्स लगता है, ठीक है। तो अब हमको तो पता नहीं कि ए से बी तक को किस स्पीड से चलता है, तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर 54 किलोमीटर, दैट इज फ्रॉम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए टू बी, बी क्या मान लेते हैं इसको, इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो जब एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है और इसका डिस्टेंस मेरा कितना है, डिस्टेंस कितना है 54 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, टाइम हमको कितना लगेगा यहाँ से यहाँ कवर करें, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब बोलता है कि ट्रेन क्या करता है, बी से सी, मतलब बी स्टेशन से सी स्टेशन जाने के लिए वो क्या करता है, अपना स्पीड्स बढ़ा देता है। तो क्या करता है, इसका स्पीड मतलब बी टू सी जाने के लिए उस टाइम कितना होगा, स्पीड हो गया कितना, बढ़ा देता कितना, एक्स प्लस 6 उसका स्पीड हो गया किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड बढ़ाता है तो इसका मतलब टाइम उसको कम लगेगा पहले से। तो टाइम इक्वल टू क्या है इसका, यहाँ पे निकालेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब क्या बी टू सी का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे बी टू सी का डिस्टेंस कितना है मेरा, 63 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो डिस्टेंस कितना है 63 और स्पीड कितना है एक्स प्लस 6 किलोमीटर, सॉरी इतना आवर्स हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी और बी से सी तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स। तो हमने तो ये टी वन टी टू अलग अलग निकाला, तो इसको क्या करेंगे, मतलब इसमें इसको मान लेते हैं टी वन, इसको इक्वेशन टी वन मानते हैं और इसको हम टी टू मानते हैं, ठीक है। तो टी वन प्लस टी टू को कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स लगता है, ये मेरा क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम टी वन का वैल्यू कितना लिखेंगे, 54 प्लस एक्स और प्लस 63 बाय एक्स प्लस 6 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, ये 5 आवर्स हो गया, ठीक है, 5 आवर्स मेरा दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं कितना आया इसको, देखिए दैट इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज, अब इसको क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं कितना, एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस 6 हो गया, और ये 54 इंटू क्या हो गया, 54 इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस 63 एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 54 एक्स हो गया
अब प्लस 54 × 6 हो गया, अब प्लस 63 एक्स इज वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल कितना हो गया मेरा 5 हो गया, करेक्ट। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते देखिए कितना होगा, यहाँ क्या हो गया 54x अब प्लस 6 4 जाए 24, 2 4 2 6 5 30 31 32 हो गया, अब प्लस 63x और ये क्रॉस मल्टीपल तो 5x² अब प्लस 30x हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 63 है, तो कितना हो गया 7 हो गया और 6 5 11 11 प्लस 324 इज इक्वल टू 5x² अब प्लस 30x हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5x² और प्लस 30x इधर हो गया और ये इधर हो गया -117x और -324 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0। अब देखिए यहाँ पे 5x² और 30x 117 और 30 को 7 करें कितना हो गया 7 8 9 10 11 87, तो कितना हो गया ये -87x या -324 इज इक्वल कितना हो गया 0, करेक्ट। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया, तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो x इक्वल टू -b मतलब 87 प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर, तो 87 का स्क्वायर -4 × a 5 × c कितना -324 और डिवाइडेड बाय कितना 2 × 5, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 87 आप प्लस माइनस देखिए 87 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 87 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 7 5 7 5 6 9, तो ये कितना हो गया 7 5 6 9 और ये दिए माइनस के माइनस क्या प्लस हो गया तो कितना 5 4 5 20 20 × 3 2 4 3 2 4 दैट इज इक्वल कितना हो गया 6 4 6 4 8 0 का रूट ओवर। अब ये दोनों को प्लस करते हैं कितना प्लस 7 5 6 9 7 5 6 9 और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 7 5 6 9 का सॉरी देखिए बाय इसको कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज 87 प्लस माइनस ये 7 5 6 9 का कितना होगा 7 5 6 9 और प्लस 6 4 8 0 दैट इज इक्वल कितना गया रूट ओवर 14049 हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे 87 प्लस माइनस इसका रूट ओवर लिखेंगे कितना, तो इसका कितना वो रूट ओवर्स लिखते हैं, ठीक है। ओ सॉरी इट टेक्स 3 आवर्स है ना, गलत सॉरी यहाँ पे कितना है ये 3 आवर्स है, टोटल टाइम्स कितना लग रहा है 3 आवर्स है यहाँ पे 3 आवर्स है यहाँ पे 3 आवर है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे ये 3 हो गया, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे आपका कितना हो गया ये देखिए ये जो फिर से करते हैं यहाँ पे रॉन्ग हो गया सॉरी यहाँ पे कितना लिखते हैं यहाँ 54x है और प्लस कितना हो गया 324 प्लस 63x है प्लस 63x बाय कितना हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x है इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम कितना कॉमन लेते हैं यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें 3 कॉमन लेते हैं तो कितना 3 1 3 3 8 24 और प्लस 3 1 3 0 3 8 24 प्लस 3 2 6 3 1 3 x, ठीक है, और पाई कितना हो गया यहाँ पे x² प्लस 6x हो गया
इज इक्वल टू 3, ये 3 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बचा, 18x प्लस 100 प्लस 108 प्लस 21x इज इक्वल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना 21 और 18 कितना हो गया 9, और 39x प्लस 108 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 39x माइनस 108 इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये 39 और ये कितना हो गया माइनस, सॉरी माइनस 33x हो गया, और माइनस 108 इज इक्वल टू जीरो हुआ। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर तो 108 को कितना लिखेंगे, माइनस 36x और प्लस 3x माइनस 108 लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों को इंटू करेंगे तो 108 आएगा, और दोनों को प्लस करेंगे माइनस माइनस, तो प्लस माइनस करेंगे तो ये 33 आएगा। तो इसमें क्या कॉमन लिया, एक्स माइनस 36 और प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 36 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस 36 आ गया इसमें, और यहाँ पे एक्स प्लस 3 आ गया दैट इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 36 और माइनस 3, तो माइनस 3 को कभी स्पीड में कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक्स इक्वल टू, तो क्या फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द सोल्यूशन, 36 किलोमीटर पर आवर। So this is the solutions of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.